ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੈਸਪੁਰਾ ਗੈਸ ਲੀਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। इस घटना नूं दिल दहला देने वाली अते मंदभागी घटना दस्सिया कि जिम्मेवार व्यक्ति नूं किसी भी कीमत ते बख्शा नहीं जाएगा। लोगों को बेनती की कि वो इलाका खाली कर, एनडीआरएफ की टीम, कारपोरेशन की टीम ये सारिया इतने पहुँच रही हैं और इस केस जिहड़ा इसका सोर्स है ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। हुण तक की जिहड़ी रिपोर्ट आ रही है उसको पता लग गया है कि हाइड्रो सल्फाइड गैस है, वो हुण किस तरह पैदा हुई, मैडम माइक ऑन करो, कारण सीगे वो सारे असर्टन किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लुधियाना वालों एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी मार्क कर दी गई है, उसकी रिपोर्ट छेती साढ़े सामने आ जाए। इस तो अलावा असी पुलिस वालों केस रजिस्टर किया गया है, जिहड़े भी व्यक्ति इस दे विच शामिल पाए जाणगे, जिहड़े भी इंडस्ट्री व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने साडा बड़ा सहयोग किया और एक बड़ी अनसुखावी घटना सी और असी हुण छेती तो छेती इस सारे इलाके नूं जिथे गैस जिस तो लीक होई सी मैनहोल तो उहदे विच असी सफाई करा के उसनों क्लीन करा के जदों ये डिकलेयर हो जाता है कि एरिया सेफ हो गया उदों लोगों नूं इत्थे वापस। सर जी किन्ना टाइम लग सकता है कि सारा एरिया क्लीन होने नूं, लोग के आराम नाल अपना आ जा सकन नूं, किन्ना टाइम लग सकता है? अजे कहना मुश्किल है क्योंकि अजे कॉर्पोरेशन वालों अजे क्लोरीन वगैरह पाया जा रहा है, इसके बाद यदि फ्लशिंग होएगी उसके बाद फिर असी ये लेवल्स चेक करांगे गैस के और जो ये गैस के लेवल्स ठीक पाए जाएंगे उदो फिर लोगों को परमिट किया। सर ये जो लोग कहां के थे, जो डेथ हुई है कहां से, जो कॉज है गैस फॉर्मेशन का की लग रहा है, प्राइम एफएसआई की लग रहा है? प्राइम एफएसआई डेफिनेटली जो हम सारे और एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, बट प्राइम एफएसआई यही लग रहा है कि कोई केमिकल इस नाले दे विच पाया गया जिदे करके वो रिएक्ट करके गैस बनी और जिथे ये वकूआ होया तुसीं देखिया होना उत्थे मैनहोल नहीं सीगा, मतलब उत्थे खड्डा जिहा सी एक नाले दे विच, उस तों ये गैस बाहर आई और एक छोटे जे एरिया विच उहदा बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होया जिहदे करके साडा पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सीनियर टीम इत्थे आई हुई है। जदों मैं तुहानूं दस्सिया मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी हैज़ बीन मार्क्ड, पुलिस की इनवैसटीगेशन टीमां भी चेक कर रही ने कि कोई किसी ने बाहरों आके कोई इस तरह का एक्सीडेंट पाया होगा, ठीक है, बट जो भी चीज़ें सामने आएंगी थोड़े तब तक एरिया कोड ऑफ रखा जाएगा इसी तरीके से। हाँ, जब तक रिपोर्ट क्लियर नहीं आती, जब तक ये ऐसे जो ये गैसेस हैं ये इसका लेवल कम नहीं होता तब तक इसका टाइम बाउंड इंक्वायरी जो ऑर्डर की गई सैंपल लिया जाएगा, जब आप एक बार क्लीनिंग कर देंगे उसके बाद दोबारा एक बार सैंपल। एब्सोल्युटली मैम, वंस द क्लीनिंग इज डन अगेन वी विल टेक अ सैंपल एंड देन वी विल टेल यू। सवेरे पहला जिहड़ा असीं दस्सिया कि इट लुक लाइक कि कोई केमिकल कंटैमिनेशन हुई सी जिस करके 11 लोगों की डैथ हो गई, तो 4-5 बंदे जिहड़े सीगे वर अंडर ऑब्जरवेशन, तो उन्होंने ट्रीट किया जा रहा सीगा, तो वो फिगर्स हाले तक है गया। सरकार वालों 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया फॉर द डिसीज्ड अनाउंस किया गया सी, 50,000 रुपए फॉर द इंजर्ड अनाउंस किया गया सी, ते सारी जो भी ट्रीटमेंट हैगी है उन्नाल। ते उस तो बाद जदों एनडीआरएफ की टीम ते साड़ी टीम इत्थे पहुँची हैगी है, बेस्ड ऑन जो सिम्पटम्स आए सीगे एंड बेस्ड ऑन द डिटेक्टर्स जिहड़े उन्होंने वक् वक् थावां ते लए सीगे, जिहड़ी गैस डिटेक्ट हुई दैट वॉज हाइड्रोजन सल्फाइड। नॉर्मली वो जिहड़ी सीवर्स दे विच मिथेन गैस हुंदी है उहदे नाल कुछ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस हुई, एक डेंजरस गैस होंगी है, इट इज़ अ न्यूरोटॉक्सिन, तो दिस इज़ कंसिस्टेंट विद जो सिम्पटम्स पेशेंट्स नू आए भी सिगे, बिकॉज कोई रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स नहीं सिगे, बट इमीडिएट डेथ एंड अदर सिम्पटम्स, येलोइंग ऑफ फेसेस एटसेट्रा सजेस्टेड कि इट्स अ सल्फाइड पॉइजनिंग। सो वो डिटेक्टर्स दे विच गैस जिहड़ी सिगी वो डिटेक्ट भी हुई है, वह एक केमिकल डीकंटैमिनेशन प्रोसैस हुंदा हैगा
वी हैव बीन इन टच विद NDMA NDRF ते ओ कॉर्पोरेशन वालों ओ सल्यूशन जेड़ी हैगी है केमिकल डी कंटैमिनेशन प्रोसेस ओ अंडरवे है राइट नाउ एज वी स्पीक ओ कीता जा रहा है उस दे नाल नाल सीवर दा सारा एरिया जेड़ा हैगा 1 किलोमीटर दे रेडियस दे विच चेक भी कीता गया है ते फ्लशिंग भी की जाएगी सो सून वी एक्सपैक्ट के सारा एरिया जेड़ा हैगा डी कंटैमिनेट हो जाएगा प्रिकॉशन दे तौर ते जेड़ा असी कॉर्डन बना के रखिया है उस नू एटलीस्ट 24 घंटे तक असी बरकरार रखांगे बट असी एक सैकेंड एंड थर्ड ओपीनियन दे होर सेंसर्स मंगाए हैं सो दैट असी रेडियली एक बारी जो गैस हैगी वो चेक करवा लईए हाल दी घड़ी 100 मीटर दे रेडियस दे विच वो गैस डिटेक्ट नहीं हो रही है बट उस नू असी कुछ घंटे तक रिव्यू करके एक बार वो करांगे सो दैट लोगों की सेफ्टी बनी रहे लोगों नू असी थैंक यू कहिंदे हां कि उन्होंने जिला प्रशासन दे पूरा पूरा साथ दिता हैगा एंड कोई रूमर मोंगरिंग नू वो नहीं दिती एंड दे हैव रिमेन्ड काम एंड एरिया तो दूर रहे हैगे ते पुलिस वालों जिहड़ा हैगा वो परचा भी कर दिता गया हैगा इन्वेस्टिगेशन इज़ अंडर वे जिला प्रशासन वालों एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दिती गई है कि की जिहड़ा हैगा ये केमिकल है जिहड़ा अंदर पाया गया है उसके सैंपल्स NDRF वालों लैके पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नू हैंडओवर कर दिते गए ने ताँ जो वो सैंपल्स की चैकिंग करा सकन एंड दैट विल हैल्प इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कित्थे की पिया एंड कित्थों की आया अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सबसक्राइब करो अजीत वैब टीवी अते ताज़ी खबरां दी नोटिफिकेशन पाउण दे लई बैल आइकन ते क्लिक